और सागर का सीरियल किलर गिरफ्तार हो चुका है। बता दें आपको, राजधानी भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। चार चौकीदारों की हत्या का आरोप इस हत्यारे पर है। मोबाइल और पैसे की चोरी के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया करता था। मानसिक रूप से विक्षिप्त ये आरोपी बताया जा रहा है। सागर और राजधानी भोपाल में पूरी वारदात को अंजाम दिया है। करीब चार चौकीदारों की हत्या जो है ये कर चुका है। भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको, मोबाइल फोन और रुपए छीनने के लिए पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया करता था। अब तक चार हत्याओं का इस पर आरोप है। तीन हत्याएं जो है वो सागर में हुई है, एक राजधानी भोपाल की बताई जा रही है। राजधानी भोपाल से गिरफ्तारी की गई है इस हत्यारे की। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, सीरियल किलर गिरफ्तार हो चुका है। सागर में तीन, राजधानी भोपाल में कितनी हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया इस हत्यारे ने? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो जिस तरीके से एक के बाद एक सागर में चौकीदार की हत्या हो रही थी, और कुछ देर पहले ही जानकारी निकल कर ये सामने आई थी कि भोपाल के बैरागढ़ में एक मार्बल के चौकीदार, दुकान का चौकीदार था, उसकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद ये कह सकते पूरे पुलिस महकमे के हाथ पैर फूल गए थे, आखिर ये कौन है जो एक के बाद एक सिर्फ चौकीदारों को निशाना बना रहा है। और ये कह सकते हैं कि सागर पुलिस को कल ही इनपुट मिल चुका था कि आरोपी भोपाल पहुंच चुका है, और उसके बाद करीब बताया जा रहा है 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए, और उस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये कह सकते हैं कि पुलिस ने, जो पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कुछ देर बाद होगा। इस पूरे मामले में शुभम दो चीजें सामने आ रही है। एक चीज ये सामने आ रही है कि मोबाइल और पैसे के लिए हत्या करता था, और एक चीज ये सामने आ रही है कि उसको हत्या करने में मजा आने लगा था। वो साइको किलर के तौर पर भी पुलिस उसको देख रही है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। लेकिन अभी कुछ देर का इंतजार करना होगा कि आखिर उसने क्यों हत्या करी। पुलिस पूरे इस मामले में खुलासा करेगी। लेकिन ये कह सकते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक हत्या सागर में हुई, फिर उसके बाद राजधानी भोपाल में हुई, तो ये कह सकते हैं पुलिस महकमे में जो हड़कंप मचा हुआ था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन हत्या कर रहा था। क्योंकि सभी का पैटर्न हत्या करने का, चाहे सागर की बात करें या फिर भोपाल की बात करें, एक ही पैटर्न था शुभम। सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी जाती थी, और वो भी देर रात अंधेरी रात में। यानी ये कह सकते थे वो खुले घूमता था आरोपी, और जहां पर चौकीदार को देखता था अकेले, वो वहां पर चौकीदार के ऊपर पत्थर मारता था और हत्या करके वहां से फरार हो जाता था। सागर में तीन हत्याएं हुई, और उसके बाद एक के बाद एक हत्या करने के बाद वहां पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई करी, तो खुद को बचने के लिए उसने भोपाल का रुख करा। लेकिन भोपाल में भी वो जैसे ही पहले दिन पहुंचा, उसने उसी रात को एक और चौकीदार की हत्या कर दी। लेकिन सागर पुलिस को इनपुट मिल चुका था, सागर पुलिस और भोपाल पुलिस ने मिलकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में सागर पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है।